कासगंज सदर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक कासगंज वन विभाग के अधिकारियों ने ट्री गार्ड लगाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन किया है। आपको बता दें, विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में कासगंज वन विभाग के DFO हरि शुक्ला ने अजीत सर्विस सेल नाम की फर्म के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए हैं। वन विभाग के अधिकारी ने मोनोपोली के तहत इस फर्म को काम दिया, बिना काम के ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर कर लिए गए। इस पूरे घोटाले में अलीगढ़ मंडल की कंजर्वेटर भी शामिल है। देवेंद्र सिंह राजपूत इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी कासगंज हर्षिता माथुर सहित जिले के निरीक्षण पर आने वाले मंत्रियों से भी की है, लेकिन विधायक की माने तो जिलाधिकारी द्वारा की जा रही जांच भी अभी संदिग्ध है, क्योंकि शिकायत के बाद भी वन विभाग के अधिकारियों पर कोई ना तो कार्रवाई हुई है। विधायक बताते हैं, उन्होंने कई बार जिलाधिकारी से इसके बारे में पूछा, लेकिन जाँच किस स्तर पर है, इसमें क्या आया, उसमें क्या आया, ये कोई भी बताने को तैयार नहीं। कासगंज सदर विधायक बताते हैं, इस तरह मोनोपोली के तहत होने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। विधायक जी, आपने एक शिकायत की है, वन विभाग में घोटाला है, पूरा क्या मामला है और उससे क्या कार्रवाई हुई है? वन विभाग में जो DFO अधिकारी है, इन्होंने बगैर टेंडर के 1 करोड़ और 1.25 करोड़ की लगभग जो हमारी सरकार का पैसा था, जो RC के टी गार्ड के लिए बनने के लिए पैसा आया था, उसका इन्होंने दुरुपयोग किया है। फर्जी कागज़ तैयार करके और अलीगढ़ इनके अधिकारी हैं, उनसे परमिशन लेकर, कंजर्वेटर से परमिशन ले ली इन्होंने और सारा रुपया निकाल लिया गया। उस रुपये का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीन पर कोई कार्य नहीं हुआ। और मैंने DM साहब को लिखित में शिकायत की, तब कागज़ों में लीपापोती हो गई, ज़मीन पर कोई कार्य नहीं हो रहा।